हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी मैराथन है किस चीज़ की, हिंदी की जो है, ठीक है। जो पेट 2021 में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको तो हम देखेंगे ही, ठीक है। 500 क्वेश्चन की पूरी सीरीज चलेगी, एक दिन में हम लोग 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 5 पार्ट इसके लाऊंगा जो है, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसको 2-3 दिन में हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक। और आप लोगों की कंटिन्यू अप मैराथन चलेगी, ठीक। आप लोग फोकस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। तो ये पुराने जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें देखिए 10 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, मैराथन पर डे आएगी। अब समय नहीं है आपके पास, समय कितना है सम बचा आप लोगों को, आज हो गई आपकी 15, 30 दिन और बचे हैं। 30 दिन में आप लोग मैराथन नहीं, 2-3 बार रिविज़न करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, एकल का विलोम। सोचिए कितना आसान है, एकल, एकल का विलोम क्या होता है, एकल का विलोम क्या होता है, एकल मतलब अकेला, बहुल का मतलब क्या होगा, बहुल होगा, ठीक है। तो ये पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं जाऊँगा क्योंकि मैराथन है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन ये आप सिर्फ रिवीजन कराया जा रहा है। दर्प, दर्प मीन्स क्या होता है, दर्प का पर्यायवाची क्या होता है, दर्प, दर्प मीन्स क्या होता है, घमंड, क्या होता है, घमंड, इसका ये पार्ट है, ठीक है। दर्प मीन्स क्या होता है, घमंड, देख लीजिए पूछा भी गया, सब के सब ये पूछे हुए क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची, अहंकार, स्वाभिमान, क्या होगा बताइए जल्दी। तो अहंकार, अहंकार का मतलब भी क्या होता है, घमंड होता है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, मन को हरने वाला, मन को हरने वाले को क्या कहा जाता है, तो मन को हरने वाले को क्या कहा जाता है, मनोहर कहा जाता है, ठीक है। मन को हरने वाले को क्या कहा जाता है, मनोहर कहा जाता है, ठीक है। हमको लगता है सबको याद होगा, ठीक। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक हार बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से लगातार आप लोग क्या करिए, बने रहिए हमारे साथ जो है, आप लोगों को हिंदी तो इस 500 में से अगर एक भी क्वेश्चन चला अलग आ जाएगा तो मैं उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए जो है, बस गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना मतलब क्या होता है, गागर है उसमें सागर भर देना, ठीक। मतलब थोड़े में बहुत कहना, मतलब थोड़ी चीज़ उसमें क्या, बहुत कह देना, तो मतलब क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताइए 5 आप लोग क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी सबको आता है, ठीक है। इसमें सभी बच्चे क्या किए थे सब, लेकिन इसमें क्या होता है, महत्वाकांक्षी होता है, ठीक है। महत्व वा तो रहता है, इस पर एक और रहता है, ये महत्व हो गया, आकांक्षा, आकांक्षा शब्द से मिलके बना है महत्वाकांक्षा, दोनों से मिल करके क्या बन जाएगा, महत्वाकांक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्न में से तिछड़ का विलोम, तिछड़ का विलोम क्या होता है, तिछड़ का विलोम, तिछड़ बताइए जल्दी बताइए, तिछड़ का विलोम क्या होता है, तिछड़ का विलोम क्या होता है, कुंद होता है, ठीक है। तिछड़ का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में नया है, जिसमें कुंद, कुंद तीव्र तो होगा नहीं, तिछड़ का त्यागी भी नहीं होगा, तृष्णा भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कुंद इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गज वदन का पर्यायवाची, गज वदन, गज वदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गज वदन, तो गणपति क्या होता है, गज, गज के समान जिसका वदन उसको क्या बोलते हैं, गणपति, ठीक है। मेघनाथ नहीं होगा, विष्णु नहीं, गर्जन भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 8 बताइए, हम लोग को अटैम्प्ट ज़्यादा करना है इसलिए मैं तेज़ी से चल रहा हूँ, ठीक है। कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए बस आप लोग एक बार सुन लीजिए, बस लिखना भी नहीं है, बस आप लोग एयरफोन लगा के एक बार सुन लीजिए इसको जो है, 1-2 बार वीडियो सुन लीजिएगा, इसी में से फंस जाएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं जाएगा। कांटों से भरा हुआ को क्या बोलते हैं, विकीर्ण बोलते हैं, कंटकाकीर्ण बोलते हैं, या कुचैला या कंटक बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, 8 का बताइए, तो डी बोलते हैं, कंटक अकीर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंटक, कंटका किरण बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, दूध का दूध और पानी का पानी करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ बताना, ठीक है। पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, उचित निर्णय करना, क्या करना, उचित निर्णय करना, ठीक है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया जो है, ठीक है, नहीं लोग कहते हैं गाँव में, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बहिष्कार, इसमें भी तो क्या हो जाएगा, बहि प्लस कार, इसमें कौन सी संधि होती है, संधि इसमें विसर्ग होती है, ठीक है, कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि है, लेकिन कौन सा पार्ट, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए, 10वां का कौन सा सही होगा, तो 10वां का सी पार्ट राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब संधि से कुछ क्वेश्चन हमारे हैं, जो ये हमारे पेट के 10 थे, अब अलग अलग जो परीक्षाओं में UP SSSC उसके देखिए, सुक्ति, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, सुधन उक्ति, सुधन क्या होता है, उक्ति होता है, सुधन उक्ति मिलके क्या हो जाता है, सुक्ति हो जाता है, ठीक है। सुधन उक्ति मिलके क्या हो जाता है, सुक्ति हो जाता है। चलिए
नेक्स्ट बचाइए नरेश का संधि विच्छेद, आप लोग बताएंगे। नर प्लस ईस, नर प्लस ईस मिलके क्या हो जाता है नरेश, क्या हो जाता है नरेश। यहाँ क्या क्या मिल रहा है, आ प्लस ई मिलके क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, नर प्लस ईस, तो हमारा डी पार्ट राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट। और कौन सी संधि हो रही है, तो हमारा गुण संधि है, ठीक है, ये भी आप बताते चलिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तथा धन एव, तथा धन एव। अगर वीडियो आप लोगों को साइलेंस अच्छा लग रहा है, सॉरी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को, और क्या करिए सब्सक्राइब करिए। तो तथा धन एव, ठीक है, ये मिल के क्या हो जाता है, तथैव हो जाता है, क्या हो जाता है, तथैव हो जाता है, ठीक है। कौन सी संधि इसमें है, तो वृद्धि संधि है। जब डबल मात्रा जहाँ भी दिखने को मिलेंगी आपको, वहाँ क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। तो ऑप्शन देखिए कौन सा, तथा धन एव, ए पार्ट राइट आंसर होगा, ठीक है, तथा धन एव। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 14, अत्याचार का, अत्याचार का क्या होता, अति अति प्लस आचार, क्या होता अति प्लस चार। तो कौन सी संधि आ रहा है इसमें, अति प्लस आचार, तो संधि कौन सी है, अत्याचार। जहाँ आधा त और या आ जाता है, मतलब पहला अक्षर छोटा हो जाता है, उसकी जगह पर क्या आता है, या आ जाता है या वह आ जाता है, तो उस जगह पे कौन सी संधि होती है, तो हमारी यण संधि होती है, ठीक है, यण संधि होती है। ट्रिक से याद रखेंगे तो याद रहेगा, अति प्लस आचार, किस ऑप्शन कौन सा होगा 14 का, तो 14 का अत्याचार, संधि विच्छेद का अत्या प्लस चार, तो क्या हो जाएगा, अत्याचार होगा, अति प्लस आचार होना चाहिए मेरे ख्याल से, तभी तो अत्याचार बनेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को होल्ड करके रखिएगा, थोड़ा चेक कर लिया जाएगा, मेरे हिसाब से तो सी पार्ट ही सही होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नाविक, नाविक का क्या हो जाएगा, इसमें तो संधि पहले मैं बता दे रहा हूँ कौन सी है, आयादि संधि है, ठीक है, आयादि संधि है, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं, पहले आप लोग ये याद रखिए, संधि के तीन भेद होते हैं, कौन सी होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अब विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है, तो पाँच प्रकार की होती है, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। तो नाविक में कौन सी संधि है, नाविक में नौ धन एक बराबर क्या होता है, नाविक होता है, ठीक है, नौ धन एक बराबर नाविक, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, उज्ज्वल का, उत धन ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है, उत धन ज्वल, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 16 का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत धन ज्वल में कौन सी संधि है, तो हमारी व्यंजन संधि है, ठीक। यथोचित, यथोचित का संधि विच्छेद बताइए, यथोचित, अभी संधि विच्छेद के सारे क्वेश्चन कर लें, ये हमारे है यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित मिलके क्या हो जा रहा है, यथोचित हो जा रहा है, ये भी हमारी कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, ठीक है, यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित कौन सा में है, देखिए बताइए आप लोग, 17 का सी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को, क्या करिए सब्सक्राइब करिए। व्यवहार का संधि विच्छेद बताइए, जो लोग इस बुक को नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग तो नहीं खरीद सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनकम की प्रॉब्लम होती है, तो वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन जो गांव देहात में बच्चे रहते हैं उन तक पहुँचे ये वीडियो, ठीक है। चलिए व्यवहार का संधि विच्छेद बताइए, संधि विच्छेद व्यवहार का, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस औ प्लस हार मिल के क्या बनता है, व्यवहार मिलता है, ठीक है। महर्षि, 19वां अंक बताइए, तो महा प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा, महर्षि, कौन से ऑप्शन में, तो हमारा सी पार्ट राइट आंसर होगा, 19 का क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोधन अन, पोधन अन बराबर क्या होगा, पोधन अन, तो क्या हो जाएगा, पवन, क्या हो जाएगा, पोधन अन मिलके क्या हो जाएगा, पवन होगा या कुछ और होगा बताइए, तो आयादि संधि होगा, कौन सा होगा, संधि तो आयादि होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, देखिए अभी बताया था मैंने, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो पाँच प्रकार की होती है, कौन कौन सी, तो कौन कौन सी होती है, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, दीर्घ स्वर संधि, गुण वृद्धि, ठीक है, दीर्घ गुण वृद्धि, और कौन सी होती है बताइए, दीर्घ गुण यण, और एक क्या कौन सी होती है, आयादि होती है, ठीक है, आयादि, ठीक, तो पांच प्रकार की होती है, ठीक, डी पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए, संहार का संधि विच्छेद क्या होता है, संहार, तो इसका क्या हो जाता है, सम प्लस हार मिलके क्या हो जाता है, संहार हो जाता है, तो कौन से ऑप्शन में देखिए, सम प्लस हार, ये डी वाले ऑप्शन में दिया, इसमें हलंत भी रहता है, याद रखेंगे आप लोग, हलंत बिना ही, हलंत की गलती होती है, हलंत जरूर रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे हुए, 100 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं, अब यहाँ पूछ दिया संधि के कितने भेद, तो संधि के तीन भेद होते हैं, कौन कौन सी, एक स्वर होता है स्वर संधि, एक कौन सी होती है व्यंजन व्यंजन, और एक कौन सी होती है विसर्ग, कौन सी होती है विसर्ग, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बताइए आप लोग। निह प्लस कपट, निह प्लस कपट में कौन सी संधि है? विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन सी व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए तो कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? विद्या प्लस आलय, विद्या विद्या प्लस आलय मिलके क्या होता है? आ मिलके क्या हो जाता? आ हो जाता है। अहम, अहम प्लस कार, अहंकार होता है, तो मेरे ख्याल से यही नहीं होगा। सम प्लस तोष, सम प्लस तोष मिलके क्या हो जाता है? संतोष हो जाता है, ठीक है। जगत प्लस अंबा मिलके क्या होता है? जगत। पूछ रहा है व्यंजन संधि का, तो ए भी व्यंजन है, ए भी व्यंजन है, ए भी व्यंजन है, तो हमारा ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि है, तो बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्राम विकास वीडियो इसका जो निरस्त हो गया उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछे गए क्वेश्चन है। अभी प्लस उदय, तो इसमें कौन सी संधि है? तो पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, यण संधि इसमें है, ठीक है, किसी को कोई नहीं दिक्कत होनी चाहिए इसमें, यण संधि। क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा हो जाएगा बताइए जल्दी? तो ये पार्ट अभ्युदय हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे एक जीएस का बता दीजिए, अभ्युदय योजना भी चल रही है उत्तर प्रदेश में, एक जो जिसमें आईएएस पीसीएस वालों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। मैतैक्य, मैतैक्य में कौन सी संधि है? मैतैक्य, मत प्लस एक, मैंने क्या बताया, जहां दो मात्रा रहेगी वहां कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। 27 का कौन हो जाएगा? सी पार्ट राइट आंसर। वन रक्षक में भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा में कौन सी संधि, किस संधि, संधि का विच्छेद बताइए? 28, तो भू प्लस ऊर्जा मिलकर क्या हो जाता? भूर्जा हो जाता, क्या हो जाता? भूर्जा। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अति प्लस युक्त, मैं बताया कि जहाँ आधा अक्षर और या हो जाता वहाँ कौन सी संधि रहती है? यण संधि रहती है, ठीक है। ट्रिक से करिए, ट्रिक से करेंगे तुरंत सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। ई और आ मिलके क्या हो जाता है? या हो जाता है। ई प्लस आ मिलके क्या हो जाता है? अ हो जाता है। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था ना? तो इसमें कौन सी कंडीशन में होता है? यण संधि में होता है, ठीक है, यण संधि में होता है, याद रखेंगे आप। रत्न, रत्नाकर, रत्नाकर में संधि कौन सी है? तो रत्न प्लस आकर होगा, बताइए आप लोग। रत्न प्लस आकर कौन सा होगा? रत्नाकर। 31 का कौन सा हो जाएगा? तो ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, रत्न प्लस आकर होता है, ठीक है, नाइस। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सूर्य प्लस उदय का संधि विच्छेद बताइए। अब इसका आप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। सूर्य प्लस उदय मिलके क्या हो जा रहा? अ प्लस ऊ मिलके क्या हो जा रहा? ओ हो जा रहा है, तो कौन सी संधि है? तो गुण संधि है, किसमें हो रहा है? सूर्य प्लस उदय, तो ए पार्ट क्या हो जाएगा? सॉरी, ये पार्ट नहीं होगा, ए पार्ट होगा, ठीक है, बी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ा उदय दिया है, इस तरह उदय नहीं लिखा जाता, ठीक है, तो ये पार्ट राइट आंसर होगा। अन्वेषण, अन्वेषण वह हो जा रहा है, यहाँ भी क्या पलाक्षर वह आ जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 33 में ये तो मैं तो संधि बता सकता हूँ, इसमें एण संधि है, ठीक है, लेकिन विच्छेद आप लोग बताएंगे, बताइए कौन सा है संधि विच्छेद इसमें? तो अनु प्लस वेषण, अनु प्लस एषण मिलकर क्या हो जाता है? अन्वेषण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 34 बताइए। शस्त्र छास्त्र, इस वाली पीडीएफ को मैं फिर पुनः चलाऊंगा जो है, ठीक है, क्योंकि इसको दो बार आपको चलाया जाएगा, ठीक है, पांच पांच फिर इसको आप लोगों को एक बार रिवीजन में इसको दिखाऊंगा, ठीक है। शस्त्र छास्त्र का क्या होता है बताइए? 34 का क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा? बी पार्ट राइट आंसर होगा, ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 35 दिग्दर्शन, दिग प्लस दर्शन, तो क्या हो जाएगा? दिक, इसका क्या हो जाएगा? विसर्ग स्वर व्यंजन संधि है, दिक प्लस दर्शन किसमें दिया है? हलंत जरूर रहेगा, डी पार्ट राइट आंसर। 35 का क्या हो जाएगा? डी पार्ट राइट आंसर। चलिए गौ प्लस चरित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गौ प्लस चरित, तो विसर्ग संधि में क्या होता? सा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो हमारा कौन? गौश्य चरित हो जाएगा, सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 36 का क्या होगा? सी पार्ट बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा, यशोदा में कौन सी संधि विच्छेद है? तो यस, यस प्लस दा मिल के क्या हो जाता है? यशोदा, तो ये हमारे कौन से? विसर्ग संधि है, क्या है? विसर्ग संधि है, ठीक है, कौन सी है? विसर्ग संधि, 37 में विसर्ग संधि है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, उच्चारण में, उच्चारण में कौन सा संधि विच्छेद है पूछा गया लोअर पीछे 2016 में, ठीक है, तो उत प्लस, उत प्लस चारण, हलंत जरूर रहेगा, उत प्लस चारण कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, तो क्या हो जाएगा? उच्चारण, ठीक है, क्या हो जाएगा? सी पार्ट
राइट आंसर 38 का क्या होगा, सी पार्ट राइट आंसर। चलिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन 39, आप लोग बताइए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। आप लोगों को पता ही है रूपांतरण, रूपांतरण रूप प्लस अंतरण क्या हो जाएगा, रूपांतरण। 40 का क्या होगा तो सी पार्ट रूपा प्लस अंतरण होगा, सॉरी रूपा प्लस अंतरण क्या हो जाएगा, रूपांतरण। वन रक्षक में पूछा हुआ दुरासा, अभी संधि के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, दुरासा क्या हो जाएगा, दुरासा का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा, दुह प्लस आशा, दुर प्लस आशा, दुरा प्लस आशा, दुरा प्लस अंशा क्या हो जाएगा, दुह प्लस आशा। कौन सी संधि आएगी, विसर्ग, याद रखेंगे कौन सी संधि है, विसर्ग। ठीक चलिए नेक्स्ट पौधन अन क्या हो जाएगा, पौधन अन रहता तो पवन होता, पौधन अन तो पावन हो जाएगा, ठीक है आयादि संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी आयादि संधि, कौन सी संधि होगी आयादि संधि। ठीक चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 बताइए निम्न में से कौन सा उच्च वास का संधि विच्छेद है, उच्च वास का तो उत प्लस श्वास होता, क्या होता उत प्लस, उत की उच्च प्लस श्वास होता, बताइए जल्दी बताइए उत होता है कि उच्च होता है, आप लोग जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, मुझे भी नहीं याद आ रहा, आप लोग बताइए क्या होता है उत प्लस श्वास होता है। ठीक है चलिए इसमें संधि बता दीजिए कौन सा है, तो व्यंजन संधि है, ठीक है व्यंजन संधि है। ठीक है चलिए वाणी प्लस औचित्य का संधि शब्द कौन सा है, ठीक है डिटेल्स इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन क्वेश्चन चाहिए होता, इसलिए क्वेश्चन कराया जा रहा है कि हमें प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट की तरह ही किया जाए तो बेटर है, और इसे दो तीन बार किया जाए, एक बार नहीं दो तीन बार किया जाएगा तभी याद होगा। ठीक है वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है वाणी प्लस औचित्य क्या हो जाएगा, देखा करिए क्या लिखा गया है, देखिए चारों ऑप्शन एक जैसे लिखे, तो वाणी वाणियों क्या हो जाएगा बताइए, ये पार्ट हमारा सही होता है, क्या होता है वाणे यौचित्य होता है। ठीक है वाणी यौचित्य होता है। ठीक है ये कौन सी संधि है बताइए, इसमें कौन सी संधि है, तो हमारी व्यंजन संधि या क्या हो जाएगी स्वर संधि होगी। ठीक है इसमें कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। नेक्स्ट बताइए लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन अन्वीक्षण, अन्वीक्षण में, अन्वीक्षण में कौन सी संधि है बताइए जल्दी, अन्वीक्षण में तो अनु प्लस इच्छण मिलके क्या हो जाता है अन्वीक्षण होता है, क्या अनु प्लस इच्छण, इसमें देखिए बड़ी है यहाँ इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज होंगे बच्चे। ठीक है तो कौन सा सही होगा ए या डी, मैंने 50-50 कर दिया, बताइए अब कौन सा होगा ए या डी 45 का, तो ए पार्ट हो याद रखिएगा बड़ी ही होती, अन्वीक्षण में क्या होती बड़ी ही रहती छोटी ही नहीं रहती है। ठीक है शीतर ऋतु ठीक है बताइए इसमें कौन सी है, क्या हो जाएगा शीत प्लस ऋतु मिलके क्या हो जाता है शीत ऋतु होता है। ठीक है शीत प्लस ऋतु मिलके क्या हो जाता है शीत ऋतु, याद रखेंगे आप लोग, सब क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है चलिए निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन निह प्लस धन मिलके क्या हो जाता है निर्धन, तो कौन सी संधि है विसर्ग संधि है। ठीक है 47 का क्या हो जाएगा निह प्लस धन मिलके क्या होता है निर्धन होता है। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीति प्लस अनुसार क्या हो जाता है रित्या अनुसार होता है, कौन सी संधि है यण संधि है, रीति प्लस अनुसार मिलके क्या होता है रित्या अनुसार होता है। ठीक है 48 का ए पार्ट यद्यपि, यदि प्लस अपि मिलके क्या होता है यद्यपि होता है, यदि प्लस अपि मिलके क्या होता है यद्यपि होता है, तो 49 का कौन सा हो जाएगा 49 का सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तिरस्कार में कौन सी, अर्धशतक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है तिरस्कार में कौन सी संधि विच्छेद होगा, तिह प्लस कार होगा या तिरह प्लस कार होगा बताइए, तो तिरह प्लस कार होगा। ठीक है क्या होगा तिरह प्लस कार होगा। ठीक है तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो आप लोग जान ही रहे हैं विसर्ग संधि है। 51 का आच्छादित में कौन सा संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा आच्छादित में बताइए, 51 का तो अ प्लस छादित मिलकर क्या होता है आच्छादित होता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट बताइए 52 पित्र प्लस अनुमति, पित्र प्लस अनुमति मिलके क्या होता है पित्र अनुमति होता है या पित्रानुमति होता है बताइए, पित्र प्लस अनुमति मिलके क्या होता है पित्र अनुमति होता है या पित्रानुमति होता है बताइए जल्दी, तो क्या होता है तो पित्र अनुमति होता है ना पित्रानुमति, बहुत लोग इस पे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक जहां गलती होगी वहां मैं बता रहा हूं, ठीक है जहां आप लोग गलती करने का चांस ज़्यादा रहता है उच्छ्वास उत, इसको याद रखिएगा ये हमें लिखने के लिए भी आता है तो कैसे लिखते हैं उच्छ्वास होता है तो उत प्लस श्वास होता है, क्या होता है उत प्लस श्वास होता है, तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 53 का राइट हो जाएगा। चलिए उथला, उथला का विलोम बताइए, एक मिनट सॉरी।
उत प्लस श्वास का क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत प्लस श्वास का क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। उथला का क्या विलोम होगा बताइए, उथला, उथला का विलोम बताइए जल्दी, उथला का क्या होगा आप लोग बताइए, 54 का तो क्या हो जाएगा, समतल होगा। ठीक है, उथला तो क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, स्वर्ग का विलोम, स्वर्ग का विलोम क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, स्वर्ग का, स्वर्ग क्या क्या होता है, नरक होता है। संधि हम लोग खत्म कर चुके, टॉपिक वाइज देखिए मैं क्वेश्चन डाला हूँ, 50 क्वेश्चन कम से कम थे, अगर 50 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें फंस नहीं जाएगा संधि विच्छेद का। ठीक है, और 50 क्वेश्चन, अब 50 के आसपास जो हम लोग 50-60 क्वेश्चन हम लोग विलोम के देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलिए, जो पूछे गए क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन करा जाएगा। राग का क्या होता है विलोम बताइए, राग का, राग 56, राग का विलोम क्या होता है, विराग होता है। ठीक है, सूक्ष्म, सूक्ष्म, सूक्ष्म का क्या होता है बताइए, सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, 57, सूक्ष्म का क्या होगा, स्थूल होता है, क्या होता है, स्थूल होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, स्वधीन, स्वधीन शब्द का विलोम क्या होगा, स्वधीन है, स्वधीन का विलोम क्या होगा, परधीन, स्वाधीन का मतलब अपने अधीन, अपराधीन का मतलब दूसरे के अधीन। ठीक है, स्वतंत्र का विलोम क्या होगा, परतंत्र होगा, क्या होगा, परतंत्र होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट, अंकुश का क्या हो जाएगा, चलिए चारों ऑप्शन अब बता दिया करेंगे हम, अंकुश का क्या हो जाएगा, अंकुश का निरंकुश, एक मैं बता देता हूँ कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से किए, एक क्वेश्चन यहाँ से किए और एक क्वेश्चन यहाँ से, तीन क्वेश्चन एक में, एक ऑप्शन में हो जा रहा है, तो सोचिए कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं। सन्मार्ग शब्द का विलोम, सन्मार्ग, सन्मार्ग का क्या होगा बताइए, सन्मार्ग, सन्मार्ग का क्या हो जाएगा, 59 का बताइए तो क्या हो जाएगा, कुमार्ग। सन्मार्ग का मतलब होता है अच्छा मार्ग, क्या होता है, अच्छा मार्ग, अच्छा। कुमार्ग का मतलब जानते ही हैं, जैसे सुपुत्र का क्या होता है, सुपुत्र का विलोम क्या होता है, कुपुत्र होता है, होता है कि नहीं, सुपुत्र का विलोम क्या होता है, कुपुत्र होता है, उसी तरह से सन्मार्ग का क्या हो जाएगा, कुमार्ग हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलिए बताइए, घृणा शब्द का विलोम क्या होता है, घृणा, घृणा का शब्द का क्या होता है, घृणा का क्या होता है, प्रेम होता है। ठीक है, क्या होता है, घृणा का प्रेम होता है। ठीक है, हिंसा का विलोम क्या होता है, अहिंसा होता है, क्या होता है, हिंसा का क्या हो जाता है, अहिंसा होता है। नफरत का भी प्रेम ही हो सकता है, नफरत का भी, ठीक है, नफरत किसी से करना, प्रेम करना। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मूर्त का तो जानते हैं, अमूर्त हो जाएगा, मूर्त मिस अमूर्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 62, सम, सम संख्या, विषम संख्या, आप लोग कितनी बार पढ़े होंगे, सम का क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, सम का क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। लोक का क्या होता है, लोक का, लोक का बताइए विलोम क्या होता है, आप लोग कहेंगे बहुत आसान है, लेकिन जो पढ़े होते हैं उनके लिए आसान होता है। लोक का क्या होता है, परलोक होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं इसीलिए आप लोगों को प्रूफ मिलाया हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये नहीं कि नहीं पूछे गए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 64, सम्मुख का क्या होगा, सम्मुख मतलब किसी के सामने, सम्मुख, आप सम्मुख, तो क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा उसका विलोम जो। ठीक है, प्रमुख का विलोम क्या होता है, सामान्य होगा, प्रमुख हैं, विशेष, सामान्य होगा, साधारण। ठीक, चलिए नेक्स्ट, वक्ता, वक्ता मिस बोलने वाला, श्रोता मिस क्या होता है, सुनने वाला, वक्ता मिस बोलने वाला, श्रोता मिस सुनने वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आवृत्त का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, आवृत्त, आवृत्त शब्द का विलोम बताइए, 66 का क्या हो जाएगा, अनावृत्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, भद्र का क्या होता है, अभद्र, भय का साहस, मूढ़ का ज्ञानी, मान्य का धान्य, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मान्य का धान कैसे हो जाएगा, धान निमिष क्या होता है, धन, अमान्य मिस मान्य योग्य। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, मूढ़ मूर्ख का ज्ञानी होगा, भय जो वो क्या है, साहसी है, भद्र का अभद्र होगा, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बताइए, लोअर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, सदाचारी का क्या होता है, दुराचारी, सम का क्या होता है, विषम, बिल्कुल सही है, समर्थक का क्या होगा, विरोधी होगा, सदाचारी का क्या होगा, दुराचारी, बिल्कुल सही है। तो बचा कौन, आप लोग समझ सकते हैं बचा कौन, सदाचारी का दुराचारी होता है, जी नहीं, समष्टि का व्यष्टि होता है, तो ये हमारा ऑप्शन के हिसाब से हमसे पूछा, युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, दुराचारी नहीं होता, सदाचारी का
दुराचारी नहीं होता है। चलिए 69 का बताइए, बर्बर का विलोम क्या होता है? बर्बर का विलोम नहीं होता, कभी कभी बहुत बर्बर जिसे नहीं पाकिस्तान से कुछ क्षति बिछत किसी भी मतलब किसी भी हमारे सैनिक क्षति बिछत कर देते हैं बॉडी को, तो क्या होता उसे नहीं लोग कहते हैं बहुत बर्बरता के साथ मारा गया है, ठीक है, तो उसका क्या होगा? बहुत सभ्य होगा, बहुत बर्बर का क्या हो जाएगा? सभ्य होगा, ठीक है। चलिए निर्मल का क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट निष्कलुष, निष्कलुष का विलोम क्या होगा? निष्कलुष का विलोम क्या हो जाएगा? 70 का बताइए, तो कलुष हो जाएगा, ठीक है। कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा, ठीक है, कुख्यात। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा शब्द एहिक का विलोम है? बताइए एहिक का क्या होगा? एहिक का विलोम होता हमारा पारलौकिक। एहिक का मतलब इह लोक में, पारलौकिक का मतलब दूसरे लोक में, ठीक। आकर्षण का क्या होगा? विकर्षण होता। आकर्षण का क्या होता? विकर्षण। अपमान का क्या होता? सम्मान होता। कर्षण का क्या होता है? कर्षण का नहीं याद आ रहा हमको भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम क्या होता? अमृत, अमृत का क्या होता? विष होता है, ठीक है। अमृत का क्या होता है? 73 का क्या हो जाएगा? विष। सी पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित है? पौराणिक का क्या होता है? प्राचीन होता है क्या? पौराणिक का कौन सा? यही हमारा क्या है? गलत है। अध्यात्म होता है। पौराणिक का क्या होता है? कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, ध्वंस होता है, उग्र का सौम्य होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन हमारा क्या पार्ट सही, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है, तो ये पार्ट राइट आंसर होगा। नलकूप चालक विभाग में पूछा है। तमिस, तमिस का क्या होता है? सामिस होता है, सात्विक होता, अभय होता है, दृढ़ होता है? 75 का बताइए, तो हमारा क्या होता है? अभय होता है। तामिस का क्या होता है 75 में? 75 का क्या होता है? सॉरी, क्या होता है? दृढ़ होता है, ठीक है। 75 का क्या हो जाता है? दृढ़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, 76 का, 76 बताइए, 77 बताइए, 78 बताइए, तीन क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होता है? निंदा, निंदा का क्या होता है? संतुति होता। निंदा का क्या होता है? प्रशंसा होता। निंदा करना और संतुति मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, ठीक है। आकाश का क्या होता है? पाताल होता है या धरती होता है? बताइए आकाश का क्या होता है? पाताल होता है, ठीक है। आकाश का क्या होता है? पाताल होता है। पृथ्वी का क्या होता है? पृथ्वी का क्या होता है? आकाश होता है, ठीक है। पृथ्वी का क्या होता है? आकाश होता है, ठीक है। पृथ्वी का क्या होता है? आकाश होता है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, संतोष का, संतोष का विलोम क्या होता है? 79 बताइए, 80 बताइए, 81 बताइए, सब बताइए जो है। 79 का बताइए, संतोष का क्या हो जाएगा? असंतोष हो जाएगा। संतोष का असंतोष होता है, ठीक है। और जटिल का क्या होता है? जटिल का क्या होता है? सरल होता है। जटिल का क्या होता है? सरल होता है, ठीक है। जटिल का क्या होता है? सरल। और जड़ का क्या होता है? चेतन। जड़ का क्या होता है? चेतन, याद रहेगा ना, जड़ का चेतन, जटिल का सरल, संतोष का असंतोष, सहयोग का असहयोग, स्वीकार का स्वीकार, ठीक है। ऐसे याद, कठिन का भी सरल होता है, जटिल का भी सरल होता है, ठीक है। टेढ़ा का सीधा हो सकता है, ठीक। चलिए मूर्ख का विद्वान हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 82 और 83 दोनों बताइए, 82 और 83। लौकिक, लौकिक इसमें ये जो दिया उसी का पूछना है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम। लौकिक का क्या होता है? लौकिक का क्या होता है? लौकिक अलौकिक होगा। 82 का क्या हो जाएगा बताइए? अलौकिक होगा। क्या होगा? अलौकिक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गलत शब्द का विलोम बताइए, कौन सा गलत है, ठीक है। घात का क्या होता है? घात का क्या होता है बताइए जल्दी? घात का प्रतिघात होता है, कौन सा? तो ये बिल्कुल सही है। प्रसरण का क्या होगा? संकुचन होगा। खग का क्या होता है? मृग होता है। शाश्वत का क्या होता है? शाश्वत नस्वर का क्या होता है? शाश्वत का क्या होता है? नस्वर होता है, सदैव नहीं होता। तो ये हमारा सी पार्ट इसका हो जाएगा, इसका ए उसका सी। चलिए नेक्स्ट बताइए, 84, रिजु का क्या होता है? वक्र होता है। बहुत आसान है, रिजु का पतन कितनी परीक्षाओं में पूछा होगा, रिजु का क्या होता है? वक्र होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, थोड़ा सा इधर कर लें, नहीं तो आप लोगों को पीडीएफ में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए व्यास का क्या होता है? व्यास, व्यास का क्या होता है? समास होता है। व्यास का क्या होता है विलोम? व्यास का क्या होता है? समास होता है, 85 का ए पार्ट। वैमनस का क्या होता है? सौमनस्य होता है, ठीक है। वैमनस का क्या होता है? सौमनस्य होता है, ठीक, सी। चलिए नेक्स्ट बताइए, हर्ष, हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी। ये तो इसके क्या है? पर्यायवाची है। हर्ष का क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। विलोम क्या होगा? विषाद। हर्ष का क्या होगा? विषाद। योग, योगी, योगी का क्या होता है? भोगी होता है। योगी का क्या होता है? 88 का बताइए, तो भोगी होता है, ठीक। नेक्स्ट चलिए, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था,
89 का बताइए, 89 का कौन है, सिप, कांतिहीन होगा, ओजस्वी का क्या हो जाएगा, कांतिहीन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जहाँ इसको आप लोग लिख लिया करिए। जैन मत के अनुसार मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में थे, श्वेतांबर का क्या हो जाएगा, श्वेत, तो क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा, श्वेत, जो श्वेत वस्त्र, दिगंबर मतलब जिनकी दिशाएं ही क्या थी, वस्त्र थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ का क्या होगा, ज्येष्ठ का विलोम बताना है, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये रेखांकित उसी को पढ़िए, ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा, ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, कनिष्ठ, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, 92, उद्धत का, उद्धत का क्या होता है, विन्नत होता है, विनत होता है या विनीत होता है, ये भी बता सकते हैं, उद्धत का क्या होता है, विन्नत होता है, 92, ठीक है, बहुत उद्यमी लड़का है, बहुत विनीत लड़का है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, 92 का। चलिए विपरार्थक शब्द, शोषक का क्या हो जाएगा, पोषक, आपके साथ शोषण कर किया जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, पोषक, शोषित, शोषित का क्या होता है, पोषित होता है, शोषण का क्या होता है, पोषण होता है, देख लीजिए इसका क्या होता है, अब यहीं शोषण, शोषण का क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, शोषण का पोषण, शोषित का क्या हो जाएगा, पोषित हो जाएगा, देखिए इसमें किस कितने तरह से है, एक ही शब्द के कितने तरह से बन रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान दिया करिए। कर्कश, इसकी आवाज़ क्या है, बहुत कर्कश है, नहीं कुछ लोग कहते हैं आवाज़ इसकी क्या है, बहुत कर्कश है, लड़कियों की तरह नहीं, एकदम मधुर अच्छी सी वैसी नहीं है, एकदम कर्कश है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, कर्कश का क्या होगा, मधुर होगा, कठोर का क्या, सरल होगा, ठीक है। श्री गणेश का क्या होता है, इतिश्री होता है, क्या होता है, इतिश्री, श्री गणेश कोई काम स्टार्ट करते हैं क्या, शुरू, तो इतिश्री का मतलब समाप्त होता है, ठीक। उचित, उचित का, उचित विलोम, अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या हो जाएगा बताइए, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, अर्वाचीन का मतलब होता है नया और प्राचीन का मतलब होता है पुराना, ठीक है। नेक्स्ट उपहार, उपहार का बताइए, 97 का, उपहार का विलोम क्या हो जाएगा, उपहार कह रहे हैं हम, उपकार का विलोम, उपकार का विलोम क्या हो जाएगा 97 का, उपकार का बताइए जल्दी, तो हमारा क्या आ जाएगा, अपकार होगा, विस्तृत, बहुत दूर तक फैला होता है, उसका क्या हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। 98 का क्या हो जाएगा, 98 का क्या होगा, बी पार्ट, संक्षिप्त। उन्मुख का क्या होगा, उन्मुख, उन्मुख का बताइए, तो क्या होगा, विमुख हो जाएगा, उन्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, ठीक। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन करते हैं, फिर कल देखेंगे तो 200 क्वेश्चन का टारगेट बनाया जाएगा, ठीक है। उद्धत का सही विपरीतार्थक क्या है, उद्धत का मतलब कितनी बार बताया, विनीत जो है कितनी बार पूछा हुआ, ठीक है। तो आज 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, ठीक है, बाकी 400 क्वेश्चन और बचे हैं और हम इसको 2 या 3 लेक्चर में पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 500 मैं सीरीज कराऊंगा इसको, फिर दोबारा ये PDF आप लोगों को पड़ेगी और दोबारा इसकी क्लास फिर चलाऊंगा, इसी को आपको रिपीट करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग सपोर्ट बनाइए, इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो 4 से 5 क्लास पर डे आया करेंगी जो है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।